दोस्तों, हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने टोटल 54 एप्लीकेशंस को बैन कर दिया है और उन 54 एप्लीकेशंस में फ्री फायर भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, फ्री फायर अब ना तो आपको एप्पल प्ले स्टोर पे मिलेगा और ना ही गूगल प्ले स्टोर पे दिखाई देगा। वैसे इन सारे एप्लीकेशंस को बैन करने का जो रीजन है वो है प्राइवेसी। दोस्तों, जब भी प्राइवेसी की बात आती है तो गवर्नमेंट को ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं, जो कि सही है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारा डेटा चुराया जाए और उसका गलत इस्तेमाल हो। तो ये जो डिसीजन लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, ये बिल्कुल सही है। स्पेशली अगर फ्री फायर की बात की जाए तो ऐसा कहा जा रहा है कि क्राफ्टन, जो कि पबजी का डेवलपर है, उसने गैरेना पे एक लॉसूट फाइल किया था कि ये पबजी के कुछ एलिमेंट्स को अपने फ्री फायर में कॉपी करता है। इसके साथ ही क्राफ्टन ने एप्पल और गूगल पर भी लॉसूट फाइल किया था, ये बोल करके कि इन्होंने अपने एप्पल स्टोर में फ्री फायर को अलाउ किया हुआ है, इसलिए एप्पल स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से फ्री फायर को हटा लिया गया। लेकिन दोस्तों, फ्री फायर को बैन करने की वजह चाहे जो कुछ भी हो, इसके बैन होने से बहुत ज्यादा बुरा भी फील हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं फ्री फायर पे डिपेंडेंट हैं। ये लोग फ्री फायर को खेलने के साथ साथ अपनी एक्सपीरियंस और नॉलेज को अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करते हैं, जिससे इनकी इनकम जनरेट होती है, और ऐसे में अगर ये बैन कर दिया जाए तो थोड़ी प्रॉब्लम्स तो होगी ही। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि अभी फ्री फायर कम्प्लीटली बैन नहीं हुआ है, उनकी आईडीज अभी भी ओपन हो रही हैं और वो फ्री फायर खेल पा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर फ्री फायर इंडिया में बैन होता तो सारे नेटवर्क से बैन होना चाहिए था, जो कि ऐसा नहीं है। उनका मानना है कि फ्री फायर में अभी कुछ ग्लिचेस आई हुई हैं, जो कि कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा और ये फिर से एप्पल स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पे आ जाएगा। अब दोस्तों, आगे क्या होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। क्या इसे सिर्फ ग्लिचेस की वजह से हटा दिया गया है, या क्राफ्टर ने जो लॉसूट फाइल किया था उसकी वजह से हटाया गया है, या फिर सच में कोई प्राइवेसी का इशू है और गवर्नमेंट ने इसे परमानेंटली बैन कर दिया है। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।